नमस्कार। मेघावी छात्र सम्मान समारोह जो बाबूबढ़ी में हुआ था 10 तारीख को मई महीने में 2023 को, इसका कुछ तस्वीर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूं। साथ ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मेघावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के हेतु एक का जो है सो आपको पुरस्कार वितरण करना। मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों के अंदर मैट्रिक पास होने के बाद 70% बच्चे दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कोलकाता कमाने के लिए चले जाते हैं और इस तरह से इसकी पढ़ाई वहीं छूट जाती है। इसी उद्देश्य से जो है इस कार्यक्रम को किया जाता है युवा इंट्रस्ट के माध्यम से। साथ ही मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधु से, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या फेसबुक ग्रुप में हैं या आप किसी कम्युनिटी में हैं, अगर आप वार्षिक बैठक, छमाही बैठक, त्रिमाही बैठक, मंथली बैठक या साप्ताहिक बैठक में आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य होकर के भी किसी कार्य के नहीं है, या वो व्हाट्सएप ग्रुप किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि किसी भी उद्देश्य के हेतु, किसी उद्देश्य को पूर्ति करने हेतु किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज या आप किसी भी संगठन या ट्रस्ट या किसी भी कम्युनिटी का निर्माण होता है। और जब तक उस कम्युनिटी का निर्माण और ढांचागत रूप से नियमित रूप से बैठक, नियमित रूप से संगोष्ठी, नियमित रूप से विचार विमर्श और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक सिस्टम जब तक तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक सिर्फ हवा हवाई सोशल मीडिया पर लिखना और व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना, समस्याओं को गिनाना बस यहीं तक रह जाएगा। अगर समस्याओं को ख़त्म करना है, समस्याओं को निजात पाना है, समस्याओं से आपको छुटकारा पानी है, तो आपको अपने बहुमूल्य समय में से, अपने कामकाजी दिनों में से, अपने जो बिजी शेड्यूल में से, आपको सप्ताह में एक दिन, महीने में एक दिन, 3 महीने में एक दिन, 6 महीने में एक दिन या साल में एक दिन आपको समय निकालना ही होगा। और जब तक आप समय निकालते नहीं हैं, तब तक आपकी समस्या, आपकी समाज की समस्या, आपकी कम्युनिटी की समस्या यूं ही बढ़ती रहेगी और आप किसी भी उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं जो भी हमारे बंधु इस वीडियो के माध्यम से हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, उनसे मैं सादर निवेदन करूँगा कि हर कोई बिजी है, हर कोई अपने कार्य में बिजी रहता है, पशु भी जो है अपने पेट के लिए दिन रात परेशान रहता है, लेकिन हम लोग तो एक मनुष्य हैं और एक मनुष्य को एक निश्चित दिशा में एक सही उद्देश्य से जीना होगा, तभी जीवन सार्थक कहलाएगा। और जीवन को सार्थक करने के लिए आपको अपने बहुमूल्य समय में से, आपके बिजी शेड्यूल में से, बिजी दिनचर्या में से, आपको सप्ताह में, महीने में, साल में, 6 महीना में, 3 महीना में एक दिन निकाल करके अपने संगठन का, अपनी कम्युनिटी का बैठक करके अपने आपस में कम्युनिकेशन बनाना होगा और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके उस समस्याओं को एक सिस्टम के माध्यम से कैसे दूर किया जा सकता है उस पर विचार विमर्श करना होगा। अन्यथा यूं ही समस्याएं बढ़ती रहेगी आपकी और हम आप यूं ही चिल्लाते रहेंगे, ये ऐसा हो गया, सरकार को कोसते रहेंगे, समाज को कोसते रहेंगे या आप सिस्टम को कोसते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले महात्मा गांधी ने कह गए थे, महात्मा गांधी बोले थे कि पहले खुद में सुधार करो। तो हम में सुधार यही हो सकता है कि हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में से सप्ताह में एक दिन निकालिए, शनिवार के शनिवार कहीं एक निश्चित जगह पे नियमित रूप से बैठक करिए और उस बैठक में अपने आसपास के जितने भी बंधुएँ हैं आपके, जितने भी भाइयों हैं, भाई हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, साप्ताहिक बैठक एक जगह आप अपने समाज का, अपने कम्युनिटी का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का, आपका फेसबुक पेज की कम्युनिटी का, आपका संगठन अगर कोई चलता है उसका साप्ताहिक बैठक अवश्य अनिवार्य रूप से कीजिए, चाहे बहाना कोई भी हो, लेकिन कम्युनिकेशन जब तक आप नहीं बनाओगे, जब तक आप समस्याओं पे विचार विमर्श नहीं करोगे, उसे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं लगाओगे, तब तक आप किसी भी तरह का जो है निजात और एक लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।